नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश में नए कानूनों की अब छड़ी सी लग गई है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं है। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक संपत्ति को लेकर एक कानून आएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया। नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई होगी, सजा होगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, मेरे निर्देश पर कानून बनाने का काम शुरू हुआ है, जल्द ही सामने आ जाएगा कानून। शुभम हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुभम, हमने देखा है कि कई बार कुछ अराजक तत्व, भटके हुए लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं विरोध के नाम पर, लेकिन अब कार्रवाई के लिए वो तैयार रहेंगे। क्या संदेश दिया है, क्या बात रखी है यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने? जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री से इस बारे में सवाल किया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी कोई साधारण अपराध नहीं है, इससे किसी की जान भी जा सकती है। कई बार उत्पादी सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे अपराधियों के लिए सरकार जो है एक नया कड़ा कानून लेने जा रही है और इसको लेकर लगातार काम। लेकिन हमने ये देखा है शुभम, इसकी रूपरेखा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आए हैं जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, विरोध की बात की जाती है और कुछ लोग इसका समर्थन भी करते हुए नजर आए थे। हमने देखा था सियासत भी जमकर होती थी, तो जैसे अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तल्ख तेवर, क्या ये माना जाए कि ये भी काफी सख्त होने वाला है? जी बिल्कुल, ये काफी सख्त होने वाला है और ऐसी स्थिति में ही आप देखिए कि सबसे पहले तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी यानी सीधे सीधे आपका देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है और ऐसा हमने कार्रवाई इंदौर और साथ ही साथ हम उज्जैन में देख चुके हैं, जब किसी ने पथराव किया सरकारी संपत्ति का ही मामला था और उसके बाद आपने देखा कि एनएससी के तहत भी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई भी देखने को मिली है, मगर अब सरकार और भी इसे लेकर जो है कड़ा कानून लाने जा रही है। शुक्रिया शुभम जुड़ने के लिए आपका। तो मध्य प्रदेश में कानून बनाने का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है। पत्थरबाजी करते हुए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है और भी हमने देखा है विरोध के नाम पर कहा जाता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, उसके नाम पर कई बार पत्थरबाजी, अराजक तत्व जो पत्थरबाजी करते हैं, हमने पिछले कुछ दिनों में तस्वीरें भी देखी, मामले सामने आए तीन तीन जगह से, पहले उज्जैन से, फिर इंदौर से, फिर मंदसौर से, तो उसको लेकर अब सरकार सख्त है। शिवराज सिंह चौहान पहले इस बात को बता चुके हैं और अब वो कह रहे हैं कार्रवाई की जाएगी, सजा दी जाएगी, कानून यहां पर बनाया जाएगा, यानी अराजक तत्व अब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर कहीं कोई तोड़फोड़ करेगा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर वो सजा भुगतने को भी तैयार रहे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अगर आप गलत करेंगे, आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो फिर उसके बाद आप पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो जैसे हमारे सहयोगी शुभम बता रहे थे, एक ट्वीट भी यहां पर किया है शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने, पत्थरबाजी कोई साधारण अपराध नहीं है, इससे किसी की जान भी जा सकती है। कई बार उत्पाती सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे अपराधियों को सख्त सजा के साथ साथ उनके द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। हम इस पर कड़ा कानून बना रहे हैं।